हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में 12th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं पिछले कई वर्षों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखती है। तो इसीलिए आप लोग चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आ जाता है, यदि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो आपको बताना है एक्स वाई तल की दिशा में या एक्स जेड तल की दिशा में या वाई जेड तल की दिशा में या कहीं भी नहीं। तो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जो है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संविभव जो होगा y z तल की दिशा में होगा। देखिए आपका ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया z, आपका ये हो गया z एक्सिस। यदि इस अक्ष पर जो है इस अक्ष पर जो है यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस अक्ष की ओर, तो आपका जो है समविभव जो होगा वो y अक्ष तल में होगा, इस तल में होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, कह रहा है a तथा b के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है a तथा b के बीच जो है समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए a और b के बीच, तो पहले देख रहे हैं हम यहाँ जो है 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड जो है एक दूसरे के समांतर में है, तो इसमें जो है धारिता जो नापते हैं तो समांतर में जो है सीधे सीधे जुट जाता है, 3 × 5 माइक्रोफेराड हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा फिर जो है 4 माइक्रोफेराड, ये जो है अब सीरीज में आ जाएगा। अभी समांतर में था पहले 3 और 2, अब 5 और 4 आ गया समांतर सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो है प्रोपोर्शनली मतलब 1 बाय C टोटल इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/4 आपका LCM आ गया 20, और ये जब आप भिन्न का जोड़ सही से बनाइएगा तो ऊपर में 9 आ जाएगा, 5 × 4 = 9, तो 9/20 उल्टेगा तो 20/9, आपका आंसर ए ऑप्शन सही हुआ। अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का जो बीजगणित योग होता है वो शून्य होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने के लिए, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, या उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए, या विभवांतर को मापने के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के को मापने के लिए जो है उपयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर क्या चीज़ में मापा जाता है, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में। तो आप लोग जानते हैं वोल्ट में जो है हम लोग विभवांतर मापते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किरचॉफ का नियम बिंदु नियम जो है पालन करता है, बिंदु नियम किसका पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षता का सिद्धांत। तो आपका जो है ये आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का जो है पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L बाय R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या है। ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका जो है बीमा जो हो जाएगा M0L0T, ये आपका दोनों सेम हो जाता है। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। यदि समरूप वेग से कोई आवेश चलता है तो वह क्या क्या उत्पन्न करता है, k
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई समरूप वेग से चलायमान आवेश चलता है तो वह जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत भी और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेंज का नियम जो है पालन करता है, लेंज का नियम किसका पालन करता है? बायो सावर्ट का नियम सिद्धांत, बायो सावर्ट का नियम सिद्धांत या संवेग संरक्षणता का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत या आवेश संरक्षणता का सिद्धांत? ये जो है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत का जो है पालन करता है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ये सब ऑप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। यदि प्रेरकत्व एल जो है उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका गतिज ऊर्जा रहेगा 1/2 LI²। आप लोग जानते हैं 1/2 MV², तो उसी से रिलेटेड है 1/2 LI²। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, L लंबाई का एक चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V वेग से गतिमान है, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन है L वर्स B, L B B B है 1/2 LBB CA0 DA 1/2 L²BB। तो आपका जो है इसमें शून्य हो जाएगा। यदि L लंबाई का एक चालक जो है B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर B वेग से गतिमान है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा शून्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धातु के किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है, त्वरित होती है, अवमंदित होती है या एक समान होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यदि धातु के किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं तो वह जो है अवमंदित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? इसका जो थे ये फैराडे थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो घटना था इसके आविष्कारक जो थे फैराडे साहब थे, माइकल फैराडे का पूरा नाम था। 1831 में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी होता है, ओम होता है प्रतिरोध का, ओम होता है प्रतिरोध का और बोल्ट होता है विभवांतर का, कूलम होता है आवेश का, ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? अब रक्त किरणें, प्राबैंगनी किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? तो ये जो है तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतम जो होती है गामा किरणें की होती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत 0 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, ये चारों ऑप्शन है। देखिए क्रांतिक कोण जो होता है सघन माध्यम में वह आपतन कोण जो 90 डिग्री हो वही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये 90 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है मगर वस्तु से बड़ा, देखिए हम लोग जो है दर्पण जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं अवतल दर्पण का क्यों करते हैं? क्योंकि छोटी छोटी दाढ़ी हमको बड़ा आकार में दिखे तो सैलून में उपयोग होता है। तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। और उत्तल दर्पण जो है कोई वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है इसीलिए इसका जो उपयोग साइड मिरर के रूप में गाड़ी में किया जाता है। और समतल दर्पण जो है जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा ही आकृति और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? यदि प्रधान अक्ष वस्तु रख दे यहाँ पे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वो बनेंगे 2 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है,
एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। एक उत्तल लेंस में जो है वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच जो दूरी होती है कितने, मतलब न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी होती है, तो वो जो है 4f के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, दो लेंसों का संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। ये देखिए, एक प्लस में है 20 सेंटीमीटर फोकस और दूसरा माइनस में है, इसका मतलब ये जो है उत्तल का होगा और ये अवतल का होगा। तो इसका यदि हम निकालते हैं फोकस, यदि 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/f होता है, तो यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाता है, ये 20 का 5 डायोप्टर प्लस में प्लस 5 डायोप्टर, और इसका जो होता है -10 डायोप्टर हो जाता है। तो अब 5 प्लस 5 और -10 तो निकल जाता है -5 डायोप्टर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पी। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन ए है डी प्लस एफ, ऑप्शन बी है डी प्लस 1/f, सी है 1+d/f और डी ऑप्शन है -1। आपका जो आंसर हो जाएगा 1+d/f जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एक व्यक्ति जो है -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, नेत्र में क्या दोष है, कौन सा दोष है, और बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु कितना है, ये हमको बताना है। आपका देखिए -2.5 डायोप्टर है, यहाँ पे माइनस में है क्षमता, जिसका मतलब जो है फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस का होता है फोकस दूरी ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में करते हैं, तो हम लोग जो है अवतल का जो उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि निकट की वस्तु साफ साफ दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर का बड़ा देखने के लिए जो है अवतल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो गया और नेत्र में जो है -2.5 डायोप्टर क्षमता है, तो उसका जो है दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही हुआ। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पुष्टि जो है ये प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये करता है। ध्रुवन जो है प्रकृति का पुष्टि करता है कि जो है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य होगा 4000 एंगस्ट्रम, 4500 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, 9000 एंगस्ट्रम। देखिए 1.5 अपवर्तनांक है तो यहाँ जो है आपका 4500 एंगस्ट्रम जो है इसका तरंग दैर्ध्य होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है जड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, जड के जड स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, जड पावर -1 या जड पावर -2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जड पावर -2 के जो है अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है अनुक्रमानुपाती, मतलब वह समानुपाती, समान अनुपात में होता है, तो जड पावर -2। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नाभिक की त्रिज्या की कोटि है 10^-14 मीटर, 10^-14 मीटर, 10^-15 मीटर, 10^-16 मीटर, 10^-18 मीटर। तो आपका जो है 10^-14 मीटर जो है नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। नेक्स्ट प्रश्न जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अल्फा कण जो प्रकीर्णित होता है वो कूलम्ब बल के कारण जो है प्रकीर्णित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, तो वामर श्रेणी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो यहाँ पर जो है बॉमर श्रेणी
प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैगनी भाग में पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैगनी भाग में जो है ये पाई जाती है, प्रावैगनी भाग में पाई जाती है। ये आपका हो गया लाइमन, आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और गेट का बुलीय व्यंजक होता है, और गेट का आपका ए प्लस बी इक्वल टू हुआ ए इंटू बी बराबर हुआ ए डैश इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही है, ए प्लस बी बराबर वाई जो है और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड गेट का बुलीय व्यंजक क्या होगा? तो आपका जो है ए प्लस बी इक्वल टू वाई ए इंटू बी डैश इक्वल टू वाई ए इंटू बी बराबर वाई, और डी ऑप्शन है ए प्लस बी डैश इक्वल टू वाई। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ए इंटू बी बराबर हुआ है, एंड गेट का बुलीय व्यंजक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक है। तो देखिए नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक, पहला ऑप्शन है आपका ए इंटू बी, दूसरा है ए इंटू बी बराबर हुआ है, तीसरा है ए प्लस बी इक्वल टू हुआ है, और चौथा है ए प्लस बी डैश इक्वल टू वाई। तो आपका जो है नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक जो होता है वो होता है ए प्लस बी पावर मतलब डैश, ये डैश का मतलब हुआ विपरीत उल्टा अपोजिट बराबर हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रम से होता है 0.7 1.1 या दूसरा 1.1 0.7 सी 1.1 0 या डी ऑप्शन है 0 1.1। ये जो है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में जो है बैंड अंतराल जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मेनियम होता है 0.7 और सिलिकॉन जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कितना हर्टज, कितना से कितना हर्टज के बीच होना चाहिए? 30 से 300 हर्टज, 30 से 300 किलो हर्टज या 30 से 300 मेगा हर्टज या 30 से 300 गीगा हर्टज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 से लेकर 300 मेगा हर्टज तक जो है आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है टीवी प्रसारण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु क्या है? संप्रेषण लाइन, तरंग निर्देशक, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो है प्रकाशीय तंतु जो है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? पहला है ए अल्फा कण, दूसरा है बीटा कण, तीसरा है प्रोटॉन, तीसरा है फोटॉन। तो यहाँ देखिए आवेश रहित मतलब आवेशहीन, तो वो है आपका फोटॉन जो है आवेश रहित कण है। अब नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न आ जाता है, धारावधि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच सही संबंध क्या है? ऑप्शन ए है बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 - अल्फा, ऑप्शन बी है अल्फा इक्वल टू 1 + बीटा, ऑप्शन सी बीटा इक्वल टू 1 - अल्फा और ऑप्शन डी अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा। तो आपका जो है ये ऑप्शन ए जो है बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 - अल्फा ये सही है, ये जो अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के लिए सही संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष संचार में होता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या सभी? अंतरिक्ष में जो ये संचार होता है, हम लोग को जो संचार के व्यवस्था साधन मिलता है, तो इसमें जो है क्या क्या होता है? देखिए संचार जो होने में जो है हम लोग को जैसे फ़ोन से बात करते हैं या टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं कुछ भी समाचार सुनने के लिए, वहाँ संचार का माध्यम वहाँ अंतरिक्ष में संचारित होता है, तो वहाँ जो है परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन तथा व्यतिकरण भी होता है। इसलिए जो आपका ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है? MLT, MLT-2, I-1। दूसरा ऑप्शन है MLT-3, I-1। सी ऑप्शन है MLT-2, T-3,
आई माइनस टू, और डी ऑप्शन है एम एल टू टी टू आई टू। आपका जो है एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन जो है विद्युत तीव्रता की बीमा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट जो है गॉस के नियम के अनुसार जो है इसमें से कौन सही है बताना है। तो आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है, आपका उत्पन्न ऊष्मा 2800 कैलोरी होता है। तो आपका यहाँ पे वीडियो समाप्त, मतलब प्रश्न समाप्त हो गया प्रैक्टिस। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग यदि किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं, आप लोगों का कोई विचार हो या राय हो कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बारे में भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।